अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि Assassin's Creed 3 कुछ लोगों का मसला आ रहा था। पहले तो गेम इंस्टॉल नहीं थी और ही उनके पीसी में मेरे साथ भी यही मसला आया। फिर उसके बाद इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम था, यानी रशियन लैंग्वेज शो होती है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते। गेम प्ले करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी सेटिंग्स वगैरह, कंट्रोल्स वगैरह। तो आज सबसे पहले मैं बात करूँगा, सबसे पहले आपने इसका सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले आप सेटअप इसका डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे पीसी पे दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली चीज़ और एक ये जो है, ये है फायरवॉल सेटिंग। अब कंट्रोल पैनल में जाके सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले फायरवॉल सेटिंग ऑफ करेंगे, और जो भी आपका एंटीवायरस है, अब मेरे पास क्योंकि एसेंशियल है, विंडो एसेंशियल का एंटीवायरस, तो मैंने इसको भी ऑफ़ किया और इसको भी ऑफ़ किया। पहले मेरी भी गेम इंस्टॉल नहीं थी हो रही। इन दोनों को ऑफ़ करने के बाद, और कोई भी आपका एंटीवायरस है आप उसे ऑफ़ करेंगे, फिर उसके बाद आप सी में इंस्टॉल करेंगे, तब ये जो गेम है इंस्टॉल हो जाएगी। अब मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने अब क्योंकि टी में रखा है सारा सेटअप इसका, ये देखिए Assassin's Creed 3। तो इस तरह से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया डी में ही, फिर उसके बाद यहाँ से सेटअप इंस्टॉल कर रहा था तो नहीं था हो रहा, फिर ये दोनों चीज़ें मैंने ऑफ़ की, फिर इंस्टॉल हो। अब आप देख सकते हैं ये आपको सामने डेस्कटॉप पे आइकन नज़र आ रहा है, मैं आपको सी में भी बता देता हूँ। ये देखिए लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल Assassin's Creed 3, ये देखिए आपके सामने नज़र आ रही। अब दूसरा मसला क्या था कि जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो इसकी रशियन लैंग्वेज जो है शो करती है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, तो वो लिंक जो होगा 301.45 MB का होगा, उसको आपने डाउनलोड करना है और फिर एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो उसके अंदर फाइल होगी इसको कहाँ सेव करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी जहाँ भी आपने इंस्टॉल की है अपनी गेम, आप वहाँ पे जाएंगे, जैसे कि ये मेरा फोल्डर है तो मैं सबसे नीचे जाऊँगा, तो यहाँ पे एक फाइल होगी ये वाली .lang के नाम से होगी, localization.lang। आपने सबसे पहले इसको डिलीट कर लेना है, ठीक है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपका काम ख़त्म, और रिसाइकल बिन में से आपने डिलीट नहीं करनी, परमानेंटली नहीं डिलीट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी गेम में कोई मसला हुआ तो आप दोबारा से यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ऐसे ही अप्लाई हुआ इसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और सेटिंग भी आपको बता देता हूँ, अच्छा दूसरी आपने कौन सी फाइल डाउन डिलीट करनी है, ये देखिए साउंड डाटा लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे पीसी पे जाके इसको नहीं छेड़ना, जो जितनी फाइलें होंगी आपके पास उनमें से सिर्फ rus.pck साउंड rus.pck इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब जो मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल दी है आप उसे डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर से जो फाइल होगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके जो है लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी, रशियन टू इंग्लिश हो जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और कोई भी मसला हो इस असेसमेंट क्रीड के मुतालिक तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी बातों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।